गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो यार बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज जो है अराउंड दो महीने के बाद मेरा जो फोन है वो ठीक होके आ गया है। जो मेरे पास फोन था वो खराब था काफी टाइम से, तो मैं व्हाट्सएप यूज भी नहीं कर पा रहा था। व्हाट्सएप क्या, इंस्टा क्या, मतलब मैं ना यूट्यूब पे रेगुलर अपडेट्स दे रहा था, ना मेरे शॉर्ट्स आ रहे थे फेसबुक पे, ना इंस्टा पे आ रहे थे। तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया था मुझे। तो इन दिनों गाइस मैं ये वाला फोन चला रहा था। तो इस फोन की खासियत बता देता हूँ मैं आपको। इसकी जो रैम है 2 GB है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो 16 GB है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रैम। मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कैमरा हमारे। जैसे आप देख रहे हो इसकी इंटरनल स्टोरेज 16 GB है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जो मेरे फोन की स्टोरेज है वो 64 GB है, मतलब 6 GB रैम 64 GB रोम। और मतलब जब 6 GB रैम से मैं 2 GB रैम में आया तो माय गॉड, तो इस पे जो इंस्टाग्राम है लाइक ऐसे चल रहा था, पता नहीं जैसे क्या हो गया। मतलब इंस्टाग्राम की इंटरनल मेमोरी खुद की 750 MB की है। तो भाई इस फोन ने यार मेरा बहुत साथ दिया था। मतलब इसने मेरे को अराउंड 2 महीने इस फोन ने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि मैं इसी से मतलब किसी से कोऑर्डिनेट कर पा रहा था। जब मैं अपना फोन लेके आया था मैंने देखा कि उस पे चलो अब व्हाट्सएप खोला जाए। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप खोला उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो देख सकते हैं आप 106 मैसेज आ रखे थे, बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए थे उन दिनों मुझे। तो अब तो फ़ोन आ गया है गाइस, तो अब रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी वीक में या 2 या 3 वीडियो तो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, मतलब जो एज पॉसिबिलिटी लाइक जैसे मैं पहले काम करता था। उसके अलावा मेरे शॉर्ट्स अपडेट्स रहेंगे डेली के, जो अभी थोड़ा नहीं हो पा रहे थे। तो यार लास्ट 2 महीने में जो है मेरा बहुत ज़्यादा लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। पैसों को लेके भी वैसे भी बहुत लॉस हुआ है। कोई अपडेट्स नहीं दी किसी को, कुछ भी नहीं, मतलब कोई वीडियोस नहीं डाली। तो मेरा जो भी पिछले 2 महीने में यूट्यूब पे जो लॉस हुआ है उसकी मैं पर्टिकुलर एक एनालिटिक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, या इसके बाद डालूंगा जब भी डालूंगा। तो अभी ना मेरे 2 ब्लॉग पेंडिंग भी पड़े हैं। एक PVR के 1.5 महीने पहले शूट करा था मैंने किसी के फ़ोन में जिसका डेटा मुझे अभी नहीं मिला, और एक जन्माष्टमी का ब्लॉग पड़ा है तो उसका डेटा भी मुझे नहीं मिला। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएंगे क्योंकि तब मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब कोई इनकम सोर्स आपका एकदम से बंद हो जाता है, जैसे कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था। तो मेरा तो इनकम सोर्स यार यही है, फ़ोन ही है। तो मतलब अगर एक यूट्यूबर की बात करूँ तो मेरे पास गैजेट्स में अभी फ़ोन ही है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, उसी से मैं एडिटिंग करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मैनेज करता हूँ इसी के साथ। तो मतलब तो बहुत ज़्यादा लॉस तो यार हो ही गया था। मतलब मौज ऐप के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया था उन दिनों तो कुछ पैसों का, तो वो भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब थोड़ा बैड लक भी चल रहा था ये भी बोल सकते हैं। कोई बात नहीं यार, लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। अभी आने वाले टाइम में सितंबर में मेरी कज़न की शादी है तो हम लोग उत्तराखंड विजिट करेंगे, तो बहुत मज़ेदार वीडियोस आने वाली है यार। तो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल कंटेजियस गोसाई, आपको आने वाले टाइम में बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स मिलेंगे। तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ें, बस आप अपना प्यार बनाए रख। तो दोस्तों कोई बात नहीं, जितना भी सन्नाटा मेरे चैनल में था हो गया है। पिछले 2 महीने में मैंने सिर्फ 6 वीडियो डाली है। अब मैं रेगुलर अपडेट्स दूंगा, रेगुलर वीडियोस आएंगी मेरी, रेगुलर शॉर्ट मूवीज आएंगी। इन दिनों हमने काफ़ी शॉर्ट मूवी भी बनाई है। तो अब मैंने जो लव गुरु का पार्ट पेंडिंग रखा था वो भी शायद हम लव गुरु का पार्ट 2 बनाएंगे। आपको आने वाले टाइम में बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स मिलेंगे और बहुत सरप्राइज, अपकमिंग सरप्राइज मिलने वाले हैं आपको। तो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।